Telepass is back with some latest updates on the newest story, Kumkum Bhagya. Soon in the upcoming episode, audiences will witness some shocking revelations. Don't believe us? Check out this exclusive interview. जब से शादी हुई है कुछ ना कुछ ट्विस्ट, कुछ ना कुछ परेशानियाँ आए ही जा रही हैं, तो आज क्या नया तड़का है? He's back. Okay. और आके क्या करामात कर दी आपने? इंटरव्यू दे रहे मुझे तो बहुत बड़ा झटका लगा इनको भी देखो तो हालत खराब हो गई बीमार पड़ गया इसके चक्कर में मेरे बेसिकली इट्स उनकी शादी हुई है और मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि शादी हुई है एंड मैं वापस आता हूँ मैं देखता हूँ कि उनकी सिस्टर है कि वो शादी हुई है एंड क्या है सो दैट्स द कंफ्यूजन ऑल इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू बिकॉज ऑफ माय लव और आप लोगों का क्या रिएक्शन है मतलब ये शॉक हो गए लेकिन आप लोग तो परेशान ही रहे शुरू से ही तो मेरी तो सीटें बजेंगी जब पता चलेगा कि एक्चुअली ही इज इन लव विद द सिस्टर पर ये तो अभी पता ही नहीं चलेगा बहुत देर लगेगी इसको बहुत समय मुझे तो कुछ पता ही नहीं है मैं तो खुश हूँ मैं तो खुश हूँ प्रज्ञा खुश है नहीं नहीं मैं मम्मी के लिए बोल रही थी मम्मी खुश है नहीं मैं मतलब मैं नहीं चाहती कि इनको पता चल जाए कि एक्चुअली जिस लड़की के बारे में ये सोच रहे थे वो मैं नहीं बुलबुल है, है और दूसरी चीज़ इनको ये भी तो पता चलेगा कि इनको लगता है कि जो भी लड़की वो पैसों के लिए पूरब को फंसा रही है उनको ये भी नहीं पता है कि पूरब ट्रूली उससे प्यार करता है तो मेरे को और थप्पड़ ना पड़े मुझे ये डर है नहीं पर इसकी कोई गलती नहीं है ना इसकी और बुलबुल की है तो इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो पैसों के लिए वो इसके पीछे पड़ी है अगर अभी को भी पता चल जाएगा कि बुलबुल और पूरब एक दूसरे से सचमुच प्यार करते हैं और बुलबुल सिर्फ पैसों के लिए नहीं है पूरब के साथ तो ही वुड हैव सपोर्टेड पूरा सारी गलती आलिया की है क्योंकि वो इतना ज्यादा प्यार करती है पूरब को कि उसे लगता है कि पूरब किसी और से प्यार ही नहीं कर सकता मतलब अभी सारा कंफ्यूजन इसी का है कि किसकी गलती है और किसकी नहीं है एग्जैक्टली एक्चुअली गलती किसी की नहीं है सिचुएशन मतलब एक वक्त था जब हालात आलिया और पूरब क्लोज थे लेकिन जैसे डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर तो वो नहीं हुआ इसके चक्कर में ये बेचारे आलिया के निकलते ही इश्क लड़ा बैठे अच्छा और फेस में तो ऐसे लग रहा है शादी का साइड इफेक्ट किसके आपके फेस में नहीं तब रात को बहुत पार्टी की हमने वी ऑल वेंट आउट बिकॉज़ वी गॉट डांस वी हैड एन इनहाउस रिसेप्शन तो ऑफ स्क्रीन रिसेप्शन अच्छा वैसे आप दोनों की शादी के बाद लाइफ कितनी चेंज हो गई है मतलब अभी तो एक ही दिन हुआ है लाइफ में बहुत कुछ बदलना बाकी है ये पहला ही दिन है इनफैक्ट कल रात को शादी हुई है और ये दूसरा दिन है रिसेप्शन का अभी कुछ कहना चाहेंगे आपको कुछ अभी तक महसूस हुआ है कि शादी करके फंस गया मैं नहीं शादी करके फंस नहीं गया बेचारी प्रज्ञा फंस गई है शादी में बिकॉज इट्स मोर ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग फॉर मैं बदला लेने के चक्कर में मैंने ये शादी किया सो प्रज्ञा इज बट प्रज्ञा बीइंग प्रज्ञा शी विल स्टैंड अप फॉर व्हाट शी बिलीव्स इन तो वो नॉट जोक होगा और अभी शुरुआत हुई है अभी सिर्फ शादी के साइड इफेक्ट्स में पार्टी वाले अब साइंस वाले होंगे केमिस्ट्री वाले होंगे बहुत सारे इंटर्न्स और कुछ थैंक यू सो मच So after knowing the truth, will Abhi's behavior change towards Pragya? Will he accept her as his wife? Well, for that we will have to wait and watch. But till then, you hit the like button if you are happy with this revelation and leave your comments below. Also, subscribe to Telebuzz for more daily television updates.